कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास बार बार कि इसकी वीडियोस, इसकी क्लासेस की सख्त जरूरत है। बट आई एम सॉरी टू से, मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाया कि आप लोगों के लिए इसकी क्लासेस दे पाऊँ। बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तैयार मैंने करी है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मेहनत लगी है इस लिस्ट को बनाने में, बट हाँ इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझ कर ली है ना, तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सारे के सारे एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। ये सारे क्वेश्चंस, ये वीडियो सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काम आने वाला है। तो आप हो सकता है वन में हो, टू में हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस पीडीएफ के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। देखिए, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट DUSOL रेगुलर एनसी वेब सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट होता है, जैसे आपने चूज किया होगा उसके हिसाब से। अब चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उसके अलावा अपवर्ड कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, then what is the role of feedback in any communication, then system of communication, ये कुछ और important questions हैं, disadvantages of upward communication, ठीक है। upward communication is an important topic, उसको पूरा आपको prepare करना है, कैसा भी question वहाँ से पूछा जा सकता है। barriers to communication, तो very very important topic, communication in everyday life के अंदर भी ये topic मैंने बोला था बहुत important है, और उसमें से questions आते हैं, ठीक है। listening के objectives, then what are the qualities of a good listener, another important question। 3M अप्रोच आपको रिमेंबर करनी है, याद करनी है, लिसनिंग, देन बैरियर्स, लिसनिंग और बैरियर, बहुत दोनों टॉपिक आप ऐसे करके जाइएगा कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए यू कैन इजीली डू इट। ओरल प्रेजेंटेशन के ऊपर एक टॉपिक है, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। उसके अलावा वेब कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कुछ शॉर्ट नोट आपसे आ सकते हैं। देखिए, जो शॉर्ट नोट है मैंने अभी 4-5 इसमें चूज करे हैं, बट शॉर्ट नोट वो किसी भी टॉपिक में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने शॉर्ट नोट लिए आप देख पा रहे होंगे, 4 मैंने लिए हैं यहाँ पर। उसके अलावा लेटर राइटिंग आपसे करवाई जा सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक लेटर का एग्जांपल दे रखा है, लेटर टू अ मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी फॉर कंफर्मिंग द डील ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ये एक लेटर है। करिकुलम विथ है, जिसको हम रिज्यूमे बोलते हैं, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आ गया ना आप सब लोग बहुत ईजिली कर देंगे, कैसे अपना रिज्यूमे लिखते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, एक रिज्यूमे लिखकर दिखाइए, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ठीक है। आप किसी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है, उसके लिए एक लेटर तैयार करिए, ठीक है। कम्युनिकेशन के 7 C's होते हैं, उनके ऊपर टॉपिक आ सकता है, ये टॉपिक उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। देन रिज्यूम में मैं पहले बता चुका हूँ आपको उसकी क्या क्या हेडिंग्स होती हैं। देन इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देन ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन इंटरव्यू ऑफकोर्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बन सकते हैं पेपर में। ये कुछ और क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। देन ईमेल के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्रपोजल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आप ये नोट डाउन करिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रिपोर्ट के एरर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, स्टेप्स व्हाइल राइटिंग ए रिपोर्ट, उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन भी आपको अपनी केस स्टडी की फॉर्म में देखने को मिल सकता है। कॉलेज के पास 5 कोटेशन आई हैं कैंटीन को चलाने के लिए, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, मेमो स्टाइल रिपोर्ट आपको तैयार करनी है कोटेशन को कंपेयर करते हुए, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको रिकमेंडेशन देनी है कि कौन सी कंपनी को आपको वो टेंडर देना चाहिए। तो करीब करीब 37 ये क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। आपका पूरा की पूरा प्रिपेयर हो जाएगा इन सारे क्वेश्चन को अगर आप सिर्फ तैयार कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को जरूरत है इस वीडियो की, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता क्या टॉपिक करने चाहिए, बिकॉज सिलेबस बहुत सारा है, सब कुछ करने बैठेंगे तो इट वुड बी टफ। तो ये क्वेश्चन अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, और उम्मीद है इसमें से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको काम का लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लेना, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।